एंड भाई लग क्लासिक रही है, क्लासिक एक नंबर की। हमें भाई बहुत ज़्यादा लाइट वेट है यार, इसे मार्केट में चलाने का तो मज़ा ही अलग आया। चाहूँगा इस वीडियो के एड में बताने वाला हूँ मैं तुम्हें इसकी डाउन पेमेंट वगैरह का सिस्टम सब कुछ। या देखो दोस्तों, जो आज की डेट में है, सो व्हाट इज़ अप गाइस, दिस इज कुणाल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज की व्लॉग के अंदर हम तुम्हें रिव्यू देने वाले हैं ड्यूक 200 का। भाई देख लो, ये तुम्हारे सामने खड़ी है, वॉक अराउंड देख लो। देखो देखो, ये नया कलर है ड्यूक 200 का, देख लो। एंड भाई लग क्लासिक रही है, क्लासिक एक नंबर की। तो भाई ड्यूक 200 की अगर तुमको हम स्पेसिफिकेशन बता दें तो भाई इंजन पता चलता है 200 सीसी का है। हॉर्स पावर इसके 26 हॉर्स पावर। टॉर्क जो है इसका है 19.5 न्यूटन मीटर्स एंड देखने में बहुत अच्छी है। मतलब ड्यूक 250 की तरह ही लगेगी, थोड़ी सी कम छोटी है, मतलब उससे छोटी है उससे। एंड आगे के तुम देखोगे तो आगे हैलोजन लाइट है, बाकी उनके अंदर LED लाइट्स मिलती हैं। देखो जैसे वो खड़ी हुई है ड्यूक 250 LED लाइट, इसके अंदर हैलोजन लाइट है। हैंडल बार छोटा है, टायर साइज़ वही है जो 390 तक का होता है, जहाँ तक मैंने रीड किया है 390 में भी यही टायर साइज़ आता है। फ़र्क इतना है इसके अंदर MRF के टायर हैं, इसके अंदर कौन से, हाँ इसके अंदर MPF ही क्या है पता नहीं, इसके अंदर कौन से टायर है भाई, अपने के अंदर तो मैं जेलर्स होते हैं, ये मेरे ख्याल से MRF हैं। एंड इससे कॉम्पैक्ट है एंड ट्रैफिक फ़िल्टर करने के लिए बहुत बहुत अच्छी है, वरना तुम 390 ट्रैफिक में ले जाओ तो पावले हो जाते हो, लेके जाता हूँ भाई, बहुत स्टॉल होती है। बाकी देखने में तो बहुत क्लासिक है। एक बार सर से इसकी टेस्ट राइड के लिए पूछते हैं, टेस्ट राइड मिलती है तो ठीक है, एक बार चला के देखते हैं। बाकी कलर बहुत प्यारा लग रहा है और इसके अंदर क्विक शिफ्टर नहीं है, स्लिपर क्लच है एज फार एज आई नो। बाकी कलर देख लो तो नया कलर है। और एक अभी 200 वो देखो जो खड़ी, वो बिक भी गई है खड़े खड़े। तो एक बार इसकी टेस्ट राइड के लिए सर से पूछते हैं और टेस्ट राइड लेते हैं। तो भाई हमें ड्यूक 200 मिल गई है और टेस्ट राइड के लिए। तो भाई इस गाड़ी के अंदर सबसे पहली बात तो भाई बहुत हल्की ड्यूक 390 से बहुत हल्की है और चलाने में भाई बहुत ज़्यादा लाइट वेट है यार, इसे मार्केट में चलाने का तो मज़ा ही अलग आएगा भाई। बाज़ार में चलाने का तो इसका मज़ा अलग होने वाला है और बिल्कुल ट्रैफिक को फ़िल्टर करते हुए चल सकती है बहुत आसानी से। प्लस इसके अंदर देखो भाई, अगर तुम लोगों को 200 वाली कैटेगरी में कोई बाइक चाहिए तो भाई इससे बढ़िया बाइक कोई नहीं। रीज़न भाई इसका टॉर्क और BHP बहुत ज़्यादा है, प्लस इसके अंदर आपको डुअल चैनल ABS भी मिल रहा है एंड पावर बहुत ज़्यादा अति की मिल रही है भाई। प्लस टैंक की कैपेसिटी भी अच्छी है, अराउंड 13.4 लीटर्स का टैंक है इसका और चलाने में तो बहुत ही उंधा है भाई, मतलब बाकी चलाने में बहुत बहुत स्मूथ है। बाकी इसके अंदर भाई मैं तुम लोगों को इसकी डाउन पेमेंट वगैरह जो है मैं वो तुमको बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, इस वीडियो के एड में बताने वाला हूं मैं तुम्हें इसकी डाउन पेमेंट वगैरह का सिस्टम सब कुछ, और कितना डाउन पेमेंट जाएगा, कितना तुम लोगों को टोटल लोन पड़ेगा, कितनी EMI बैठेगी, सब बताऊँगा। बाकी अगर तभी तुम्हें इसका बता दूँ भाई फीचर, इसके अंदर देखो भाई तुम्हें स्लीपर क्लच नहीं मिलता है, लेकिन कुछ असिस्टेड क्लच करके एक ऑप्शन आता है जो कि तुम्हें इसमें ये लोग देते हैं, तो मतलब तुम्हारा क्लच के ऊपर हल्का क्लच फील होगा तुम लोगों को। एंड तुम लोगों को इसके अंदर क्विक शिफ्टर भी नहीं मिल रहा है, ऑन अच्छा है। बाकी गाड़ी चलाने में कोई बुरी नहीं है, ग्राउंड क्लियरेंस इसकी अच्छी है और भाई सेकंड गियर में इतने प्यार से उठ रही है ना, 390 की ना वाट लग जाती है इतनी उठने में भाई, बहुत ही उंधा। मतलब चलाने में मेरे को बहुत स्मूथ लगी, बहुत रिफाइंड लगी और आवाज़ मेरे को जो पुरानी ड्यूक्स थी उससे बेटर लगी इसकी। बाकी स्क्रीन तुम लोगों को अभी पूरी दिख नहीं रही होगी, देखो यहाँ फर्स्ट गियर लिखा हुआ दिख रहा है, ये रेव मीटर है। बाकी इसके अंदर मेरे ख्याल से सुपर मोटो बोर्ड वगैरह ये नहीं देते हैं शायद अभी, एस आर आई जन ऑन, या तो स्विचेबल ABS इसके अंदर होना चाहिए क्योंकि डुअल चैनल है तो ड्यूक 250 के अंदर आ रहा है इसके अंदर, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं 250 के अंदर तो है, लेकिन तुम ज़रूर मेरे को बताना तुम लोगों को रिव्यू कैसा लग रहा है ये, क्योंकि भाई मैं फ़र्स्ट टाइम रिव्यू का ट्राई कर रहा हूँ और मेरे को शोरूम से मिल भी गई, तो थैंक यू सो मच भाई KTM देहरादून को, मयंक सर थैंक यू सो मच मेरे को ये दिलाने के लिए टेस्ट राइड के लिए। बाकी यार चलाने में बहुत मज़े आ रहे हैं, बहुत स्मूथ भाई इसका हैंडल बार ना, मतलब छोटा है ड्यूक 390 के अंदर ना टेंशन रहती है भाई तुमको कि भाई तुम्हारा हैंडल बार इधर उधर लगेगा, क्योंकि उसका हैंडल बार ना थोड़ा बाहर को ज़्यादा निकला हुआ है इसका इतना, मतलब ये बाज़ार में चलाने के लिए ना इतनी प्यारी बाइक है ना, और अगर बाज़ार में चला रहे हो तो हाईवे पर खींच भी सकते हो, मतलब ये दोनों टाइप में है। मेरे को इसको चलाने में इतना मज़ा आ रहा है ना क्योंकि हल्की है और सब कुछ है, और यही अगर अपनी ड्यूक 390 होते, 390 का ना मतलब वो है बहुत रॉ फीलिंग है, रॉ मतलब घूम घूम करके वो भागने वाली बाइक है, वो ऐसे स्लो स्पीड में चलने वाली नहीं है, तो स्लो स्पीड में बाज़ार में जब तुम चलाते हो ना तो ना मतलब वो ऐसा लगता है वो तुम्हें चिल्ला के कह रही है भाई भगा ले, लेकिन ये बाइक बहुत अच्छी है एंड फॉर दिस 200 CC मेरे हिसाब से तो बेस्ट बाइक है। एक NS 200 भी आती है
बजाज की, लेकिन मेरे हिसाब से ड्यूक 200 ज़्यादा अच्छी है लुक वाइज भी, एंड लुक वाइज इसके अंदर भाई बाकी बाइक से, जैसे इसके अंदर आगे हैलोजन लाइट मिल रही है तुम लोगों को, बाकी और तो कुछ नहीं है NS 200 के मुकाबले। NS 200 का भी लुक अच्छा है, लेकिन डिपेंड करता है किसको क्या चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी है भाई। तो भाई हम टेस्ट राइड लेके आ चुके हैं घर, और मैंने तुम लोगों को पहले बाइक का बता दी थी डिटेल्स विटेल्स, सबसे पहले डिटेल्स बताई, फिर उसके बाद उस दिन क्या हुआ मैं टेस्ट राइड नहीं ले पाया, तो मैं एक या दो दिन छोड़ के गया हूँ, और आज मैंने टेस्ट राइड ली तो वो वीडियो बनाई। तो तुम मेरे को ज़रूर बताना कैसी लगी वो, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा था, हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो थोड़ा, सो आई एम रियली सॉरी। लेकिन जब तुम फीडबैक दोगे तब तक हम इम्प्रूव करेंगे, ऐसी तो था। लेकिन अब आ जाते हैं भाई क्या क्या डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स चाहिए। भाई सबसे पहले तो देख लो, सबसे पहले तुम लोगों को चाहिए ये सब, एक तो तुम्हारी जो लोन ले रहा है उसकी एज 22 होनी चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए 6 मंथ की, जो कि तुम हार्ड कॉपी भी दे सकते हो, PDF फॉर्म में भी दे सकते हो, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, और फिर उसके बाद आपको ATM कार्ड अपना लेके जाना होता है, या दो चेक होते हैं, एंड उसके बाद आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता है या तो रेंट एग्रीमेंट देना होता है। तो ये सब तो हो गया डॉक्यूमेंट जो तो हम लोगों को ज़रूरत है। अब अगर हम बात करें ड्यूक 200 की, तो ड्यूक 200 के अंदर ये रहा देखो, ये मैंने रफ आइडिया लिया है, ड्यूक 200 जो आज की डेट में है, आज है 3rd November, तो आज की डेट में है ये कॉस्टिंग इसकी 2,24,956, ठीक है। और इसके अंदर तुम्हें डाउन पेमेंट जो कि देनी पड़ेगी, मिनिमम टू मिनिमम समझ लो 60-65,000 रुपये देनी पड़ती है, और ये सब डिपेंड क्या करता है, मेनली डाउन पेमेंट किस पर डिपेंड करेगी, तुम्हारे सिविल के ऊपर, तुम्हारा सिविल कैसा है, और तुम्हारा सिविल अच्छा है तो तुम्हारी डाउन पेमेंट कम हो जाएगी, ठीक है, एंड प्लस तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। EMI की बात करें तो भाई देखो, 2 साल के लिए अगर तुम लोगे तो 9,063 EMI बनती है, 3 साल के लिए 6,646, और 48 मंथ्स के लिए लोगे तो 5,438 EMI बनेगी तुम्हारी। तो भाई अब तो तुमने ये देख लिया भाई ड्यूक 200 की डिटेल्स वगैरह क्या है, कितना डाउन पेमेंट वगैरह EMI, तो भाई ये सब अब चीज़ें साइड में। अब भाई तुम मेरे को पहले ये बता दो, पैसा लगा रही हो, कमेंट करो फटाफट पैसा लगा रही हो, क्योंकि भाई फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, तो नीचे कमेंट करके फीडबैक जरूर देना। और भाई ये सब डिटेल्स मैं तुम लोगों को देख चुका हूँ, और इस पर मेरे को कोट मत करना, ये सब सिर्फ एक रफ आइडिया है जिससे तुम लोगों को आइडिया लग जाए कि मतलब क्या सिस्टम है, क्या सीन है, क्योंकि जब मैं ले रहा था तब मेरे को भी ऐसी कोई वीडियो चाहिए थी जिसके अंदर मेरे को कुछ आइडिया कोई दे सके, तो मैंने सोचा कि जब मेरे को ऐसी प्रॉब्लम थी तो औरों को भी आ रही होगी, तो उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग गाइज, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर, बाय। We got to turn it on.